जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों देखिए, आज हमारे यहाँ भर्ती की तैयारी हो रही है। गक्कड़ भर्ता बनाया जाएगा आज, तो मम्मी लगी हुई है बनाने में। और हालांकि अभी भट्टे वगैरह भूंजे हैं, आलू भूंजने में रखे हुए हैं। इसके बाद अब गक्कड़ की तैयारी की जाती है। तो आपको दिखाते हैं कैसे हमारे यहाँ गक्कड़ भर्ता बनाया जाता है। दूसरे प्रदेशों में इसे दाल बाटी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गक्कड़ और भर्ता कहते हैं, जिसे बैगन के साथ खाया जाता है। इसमें आलू, टमाटर, धनिया, मिर्ची, सभी तरह की चीज़ें रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब भूंज लिया है, भट्टे को तो भूंज लिया है और टमाटर और आलू को भूंजना बाकी है। तो दोस्तों, गक्कड़ भूंजने के लिए कंडा लगा दिए हैं और अभी ये धीरे धीरे जल रहे हैं। जब अभी थोड़ा जलने लगेंगे तो और कंडा लगा देंगे। और इधर ये आलू और ये भट्टे भूंज गए हैं, टमाटर भूंजना बाकी, इसको लास्ट में भूंज लेंगे। और मम्मी यहाँ सब मसाला तैयार कर रही है, ये देखिए धनिया मिर्ची सब काट रही है मम्मी। और ये जल जाए बस, कंडा थोड़ी देर में जल जाएगा। ये देखिए धुआं निकल रहे हैं, जैसे ही जल जाएगा तो बस इसमें गक्कड़ रख देंगे फैला के। दोस्तों देखिए कितना धुआं निकल रहा है, ये देखिए, और आगे जल चुकी है। और इसमें हमने टमाटर डाल दिए भूनने के लिए, ये देखिए टमाटर दिख रहे होंगे आपको। तो अच्छे टमाटर भुन जाए उसके बाद फिर इसको फैला के इसमें गक्कड़ लगा दी जाएगी। ये ऑलमोस्ट जली गई है पूरी आगे कंडे की, और मम्मी आटा लगा रही है। जैसे ही आटा लग जाता है और मम्मी छोटे छोटे गक्कड़ बना के देगी, तो मैं यहाँ पर लगाता जाऊँगा और सेकते जाऊँगा। ये देखिए आगे जल रही है, ये देखिए कितना धुआं उठ रहा है, ये देखिए बहुत धुआं। बाजू में गाने बज रहे हैं राज फिल्म के, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे 2003 या 4 में के आसपास आई थी ये फिल्म, उसी के गाने बज रहे हैं। फिर चला जाऊं बिना लौट के आऊं, क्योंकि क्या मेरे दिल रुबा। चलो मैं भी आटा लगा लिए फटाफट। और दोस्तों यहाँ पर आटा लग रहा है, मम्मी ने इसमें बेसन डाल ली है, मक्के का आटा डाल ली है, थोड़ी धनिया, हल्दी और थोड़ा सा सोडा, अजवाइन सब डाल के इसको लगा रही है। जैसे ही लग जाता है तो फटाफट इसकी बाटी बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों टमाटर भी भूंज गए, ये देखिए पूरी तरह से टमाटर भी भूंज गए हैं। तो ये पूरा सामान तैयार हो गया है, भरता, टमाटर, आलू, ये सब तैयार हो गया है भूंजने वाला कार्यक्रम। और इधर मम्मी ने सब तैयार कर ही ली है। और यहाँ पर देखो बाटी बनने भी शुरू हो गई है, मम्मी बना रही है बाटी, ये देखिए। और इधर आग भी जल गई अच्छी मस्त। तो दोस्तों आप गक्कड़ रखिए भूंजने, ये देखिए, और इसमें ऐसे ये गड्ढे कर दिए हैं ताकि जब ये पक जाए तो ये गड्ढा भर जाएगा, फूल जाएगी। तो इसको ऐसा रखें, अब इसको पलटाते हैं थोड़ी देर बाद, हालत ख़राब हो जाती है, बहुत धुआं लगता है। तो ये देखिए रख दिए इसको भूंजने, और अभी पलटाते हैं थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी। तो दोस्तों ये देखिए गक्कड़ को पलटा दिया है, पहले वैसे रखा था और पहली बार इसे पलटा दिया है, और एक तरफ से लगभग सिकी गई है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ कुछ गक्कड़, जैसे ये वाली, ये थोड़ी जल गई है, और एक ये वाली जल गई है थोड़ी सी, तो एक दो तो जलती है, देखिए इस तरफ थोड़ी सी। और ये देखिए एक तरफ से लगभग सिक गई है, दूसरी तरफ से डाला है सिकने के लिए। जब दूसरी तरफ भी सिक जाएगी तो उसको पलटा देंगे, और फिर बीच में थोड़ी थोड़ी कच्ची रहेगी तो उसको ऐसे ही रख देंगे और फैला के, तो वो आँच में पक जाएगी अच्छे से। तो ये देखिए पूरी तरह से सिक रही है गक्कड़, और आग भी बहुत कम हो गई है, लेकिन इसकी जो तपन है अभी भी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी गक्कड़ सिक चुकी है, और आधी गक्कड़ ये देखिए ये निकाल ली हमने आधी गक्कड़। अब इसको अच्छे से साफ करेंगे, थोड़ी सी जल गई है क्योंकि मैंने सेका हूँ, और ये थोड़ी सी बची है, ये भी भुन जाएगी, सिकने में रखी हुई है, थोड़ी देर में ये भी सिक जाएगी। तो दोस्तों ये गक्कड़ भरता तैयार है, ये देखिए भरता है मस्त, ये मम्मी ने बनाई है मस्त।
और मूली भी है और गक्कड़ भी तैयार है, मस्त देसी घी लगी हुई गक्कड़ है। तो दोस्तों मस्त खाते हैं भरता और गक्कड़। 2-3 घंटे की मेहनत के बाद ये देखिए, ठंडी का मौसम है और ये सब खाना चाहिए, बहुत हेल्दी रहता है ये सब। तो दोस्तों आप भी अपने घर में बनाइए गक्कड़ भरता और मज़े से खाइए। जय श्री महाकाल।